नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। बड़ी खबर उन्नाव से। बैकफुट पर जिला आपूर्ति विभाग, कार्ड धारकों में दहशत अभी तक बरकरार। आपको बता दें कि जिला पूर्ति कार्यालय में पात्र गृहस्थी वाले राशन कार्ड सरेंडर करने वालों की भीड़ कम नहीं हो रही है। सोमवार को कार्यालय खुलते ही काफी संख्या में लोग कार्ड निरस्त करने का आवेदन लेकर पहुंच गए। अधिकारी सोमवार को आवेदकों को समझाते नजर आए कि किसी से भी अब तक लिए गए राशन की रिकवरी नहीं होगी, सिर्फ उन्हीं के कार्ड निरस्त होंगे जो अपात्र हैं। 1 मई से अब तक जिले में 1950 लोगों ने कार्ड सरेंडर करने के लिए आवेदन किया है। जिले में राशन कार्ड सरेंडर करने का सिलसिला जारी है। सोमवार को जिला आपूर्ति कार्यालय में कार्ड सरेंडर करने वालों की भीड़ जुटी। इससे कर्मचारियों को कार्यालय से बाहर आकर सरेंडर का आवेदन लेना पड़ा। लोगों का कहना है कि वह रिकवरी के डर से कार्ड लौटा रहे हैं। वहीं खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू की ओर से जारी शासनादेश के बाद पूर्ति विभाग ने अपने कदम खींचे हैं। अधिकारियों को समझ नहीं आ रहा कि वह किस तरह लोगों को कार्ड सरेंडर करने से रोकें। यही वजह है कि जिला आपूर्ति कार्यालय के कर्मचारी भी शासन की गाइडलाइन की जानकारी भी दे रहे हैं। वहीं जिला पूर्ति कार्यालय से लेकर तहसीलों तक में कार्ड सरेंडर करने के आवेदनों के बंडल बढ़ते जा रहे हैं। अपात्रों को बाहर करने में पूर्ति विभाग के कर्मचारी सर्वे और ऑनलाइन फीडिंग को लेकर परेशान हैं। घर में टीवी और बाइक होने पर भी राशन कार्ड निरस्त करने की चेतावनी और रिकवरी की बात कहने वाले कर्मचारी सोमवार को कुछ भी कहने से बचते रहे। सोमवार की शाम जिला पूर्ति अधिकारी रामेश्वर प्रसाद ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की और अब तक खाद्यान्न लेने वाले अपात्रों से रिकवरी को लेकर सफाई दी। इसके अलावा शहरी और ग्रामीण कार्ड धारकों की अपात्रता के बिंदु बताए हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि लोग राशन कार्ड सरेंडर आवेदन जरूर कर रहे हैं, लेकिन बिना जांच किए किसी का भी कार्ड निरस्त नहीं किया जाएगा। सभी कार्ड धारकों को राशन भी तब तक मिलेगा रहेगा जब तक सर्वे और जाँच पूरी नहीं हो जाएगी। सभी कार्ड धारकों को अभी 3 माह का राशन अभी तक मिलता रहेगा। सभी कार्ड धारकों को अभी 3 माह तक राशन मिलता रहेगा। इसी अवधि में जांच पूरी कर ली जाएगी। राशन कार्ड सूची से निष्कासन के लिए जरूरी मानक शहरी क्षेत्र आयकरदाता परिवार के सदस्यों के पास 4 पहिया वाहन, एसी 5 केवी या अधिक क्षमता का जनरेटर, परिवार जिसके स्वामित्व सदस्यों और अकेले 100 वर्ग मीटर प्लॉट, मकान या कॉरपोरेट एरिया में आवासीय फ्लैट, कार्ड धारक या उसके सदस्यों के स्वामित्व में 8 वर्ग मीटर में व्यावसायिक प्रतिष्ठान, परिवार जिनके सदस्यों के पास शस्त्र लाइसेंस होना, परिवार के सदस्यों की आय 3 लाख से अधिक प्रतिवर्ष होना, ग्रामीण क्षेत्र आयकरदाता परिवार में 4 पहिया वाहन, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, एसी 5 केवीए जनरेटर, परिवार के किसी सदस्य के स्वामित्व में या अकेले 5 एकड़ से अधिक सिंचित कृषि भूमि, ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 2 लाख से अधिक, परिवार में सदस्यों के नाम पर शस्त्र लाइसेंस, 23 दिन में सरेंडर आवेदनों पर एक नज़र। हसनगंज 1650, पुरवा 2600, सफीपुर 2200, बीगापुर 2200, सदर 2200, शहर 3500, गंगाघाट 1000, बांगरमऊ 4300। जिले में कार्ड धारकों की संख्या पात्र गृहस्थी कार्ड 495740, पात्र गृहस्थी यूनिट 2018801, अंत्योदय कार्ड धारक 1,14,371, अंत्योदय यूनिट 3,57,017। ब्यूरो रिपोर्ट उन्नाव। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले। आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूले।
जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके, जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताजी खबरें।